अध्याय 5। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तब ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर उनकी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमोन के साथी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वो किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। उसने विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कहे, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाए और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ाए, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को, जो झोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए। वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब वे भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे पूछा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस खाट पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डरकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की, चुंगी लेने वालों की
और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब उन दिनों में वे उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए पहरावन में से फाड़कर पुराने पहरावन में पैवंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है।